एक हार्ट में सिर्फ सर्वाइव करना भी प्रैक्टिकली इम्पोसिबल होता है। एक ज़ॉम्बी का अटैक, एक स्केलेटन का तीर या फिर एक मकड़ी का झापड़, यार इवन दो ब्लॉक का जंप। हाँ भाई, इससे भी मर सकते हम। तुम लोगों को पता ही है, मेरे लास्ट एपिसोड में मैंने एक रियल इंसान को चैलेंज किया हूँ 1v1 फाइट के लिए। उसको तू इंसान बोल रहा है भाई? उसने लास्ट एपिसोड में तेरे पैरट को मार दिया था, वो तो राक्षस है भाई। तो आज मैं एक राक्षस के साथ 1 hour में मेरे को पीवी करना है लाइफ स्टाइल सर्वर में। भाई मैं मर गया तो सीधा बैन हो जाऊंगा। तो अगर मेरे को आसान को हराना है तो मेरे को ना बहुत ज्यादा प्रो से भी ज्यादा प्रो, अल्ट्रा प्रो मैक्स बनना पड़ेगा। तो तुम में से जितने सारे लोग भी सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा चांस बढ़ेगा मेरा आसान को हराने का। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे रख देना। तो लोयल एसएमपी में पीवीपी प्रैक्टिस करना रिस्की हो सकता है क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक आर्ट में बैन भी हो सकता हूँ। इसीलिए बस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक पूरा ब्रांड न्यू सर्वर बना लिया और ये पब्लिक सर्वर है, जिसका मतलब इधर पे कोई भी आके खेल सकता है। तुम लोग भी आके अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो और इस सर्वर में बहुत सारे किस्म के पीवीपी गेमर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम चले गए कार्ट पीवीपी वाले सेक्शन में। इधर पे तो ऑलरेडी भसड़ हो रही है भाई, बट उधर पे प्रैक्टिस करने का माहौल नहीं था क्योंकि बहुत सारे बंदे ऑलरेडी खेल रहे थे। अबे सारे मेरे पीछे पड़ गए भाई, मारेंगे भाई सब मिलके। नहीं भाई, ये देख फैन से अपने। अच्छा, अबे भाई अटका दिया किसे फैन से ये लोग। आ मार रहे अटका के। अब इधर एक और। क्या है ये? फिर से तू है क्या भाई विलेन? तो इस तरह से तो मैं कुछ भी प्रैक्टिस कर नहीं पा रहा था क्योंकि भाई सारे लोग आके मेरे को ही मार रहे थे। तो हम चले गए लाइफ स्टाइल वाले सेक्शन में क्योंकि इधर पे हम दूर पे टीपी हो सकते हैं और आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा ऑब्सिडियन का प्लेटफॉर्म बना लिया और हमें रेडी था प्रैक्टिस करने के लिए गैम्बिट के साथ। आ जाओ 1v1 करते। तो सबसे पहले तो हम स्वॉर्ड पीवीपी प्रैक्टिस करने लग गए। कुछ ही मिनट में मेरे को समझ आ गया था कि एक हार्ट में स्वॉर्ड पीवीपी कर पाना इम्पोसिबल है। असान से फाइट करते टाइम मेरे पास सिर्फ एक ही हार्ट होगा, तो मेरे को कुछ ऐसी टेक्निक को ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं उसको इंस्टेंटली मार सकूं। और मेरे को पता था कि माइंड कार्ड्स को यूज करके हम बहुत जल्दी अपने दुश्मनों को मार सकते हैं। मेरे को कई बार लोगों ने मारा इसको यूज करके, इनफैक्ट मेरे को असान ने खुद ही मारा था माइंड कार्ड से। तो फिर अब मैं माइंड कार्ड वाले पीवीपी प्रैक्टिस करने लग गया। फिर मेरे को जल्दी से करना ये करना है, ये करना है, मेरा ही टूट गया। और माइनकार्ट वाले टेक्निक में भी एक प्रॉब्लम था, मेरे पास सिर्फ एक ही हार्ड था तो इसको यूज करने पर मैं खुद भी मर सकता था। उतने दूर से भी। तो माइनकार्ट वाली टेक्निक में भी बहुत सारी कमियां थी। सबसे मेन चीज तो ये था कि मेरे पास सिर्फ एक ही हार्ड था, तो बहुत दूर से माइनकार्ट फोड़ने पर भी मेरा टोटेम भी पॉप हो रहा था। तो इसे तो आसान से पहले मैं मर जाऊंगा और सर्वर से बैन हो जाऊंगा। तो हम उधर ही बैठकर नए नए फाइटिंग टेक्निक्स को ट्राई करने लग गए। अंटिल अरे कॉपी भाई, ओ बैन हो गया। अरे शिट, कॉपी हैज बीन बैन। तो मैं एक हार्ट में प्रैक्टिस कर रहा था और गलती से गेम बीटने मेरे को मार दिया और मैं अपने खुद के ही सर्वर से बैन हो गया। गाइस बैन कर दिया ओनर को, गजब बेइज्जती है। तुम्हें बैन तो हो गया था, साथ साथ मेरे को ये भी पता चल चुका था कि 1 hour में कार्ड पीवीपी और स्वॉर्ड फाइट दोनों ही कर पाना इम्पोसिबल है। भाई 1 hour में पॉसिबल ही नहीं लग रहा अब तो मेरे को। लाइक कर लिया मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, सामने कर लिया, बट नहीं हो रहा। तूने हार्ट बढ़ाने के ट्रिक्स अप्लाई किए? हार्ट कैसे बढ़ाऊंगा भाई, मेरे को तो 1 hour में मारना है ना उसको। लेकिन गोल्डन एप्पल और एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल भी तो यूज कर सकते हैं हम। ओह गोल्डन एप्पल, तो एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल कितने बढ़ते हैं? उससे 8? उससे 8 कुछ बढ़ जाते हैं। 8? 8 बढ़ जाते हैं? तो सिद्धार्थ ने मेरे को अभी याद दिलाया कि इंसेंटेड गोल्डन एप्पल करके भी एक चीज होती है जिसको यूज करके मेरे को एक्स्ट्रा 8 hearts मिल जाएंगे। भाई 8 बढ़ेंगे तो फिर मेरे पास 9 hearts हो जाएगा। हाँ कितने तेरे पे? मेरे पे गोल्डन एप्पल एन्चेंटेड या मात्र 1? फिर क्या करेंगे भाई, मेरे पास तो 1 भी नहीं है। चलो फिर ढूंढते हैं ना कुछ। ठीक है चलो ढूंढने चलते हैं, फिर एंशियंट सिटीज में चलते हैं, आई थिंक ढूंढने वहीं मिलेगा भाई। एक ही बार में वार्डन मेरा चटनी बना दे। तो फिर हम आ गए लोयल एसएमपी में इंसेंटेड गोल्डन एप्पल्स ढूंढने के लिए। हेलो सिद्धार्थ। हेलो, किसी हो मेरी जान? टैक्सी हूँ मेरी जान, एंशियंट सिटी ढूंढेंगे मेरी जान। भाई वार्डन हमारा खाएगा। एक छोटा सा स्कैम करना पड़ेगा। किसे स्कैम? ये कौन भाई, कौन मर गया फिर से? पहले तो सेनपाई था इधर। तानी भाई सेनपाई कुत्ता बन गया, अच्छी बेइज्जती कर रहे हैं भाई सेनपाई की। इधर मकड़ा था वो, अभी कुत्ता बन गया भाई। ये प्रजाति चेंज कर रहा है, सदारी ना आगे नहीं गया। पूरे एसएमपी का अगर अपन वो ले लेते हैं सीड,
तो सारे इंचन सिटी की लोकेशन हमारी होंगी ना मेरी जान। सीट कैसे लेते हैं? मांगना है ऑपरेटर को फिर जैरो हेरो। जैरो को मांगना पड़ेगा। तो क्या बोलता है, जीरो से मांगे? चल ट्राई करते भाई। तू मांग। वैसे भी तेरी वन हार्ट पे है तो तेरे पे वो तरस खा के आई थिंक दे भी देगा। जेरो मेरी जान। तो मैंने जाके जीरो से अपना वर्ल्ड का सीट मांग लिया कुछ बहाने मार के, और जीरो ने बहुत ही इजीली अपने वर्ल्ड का सीट दे दिया। ओह दे दिया सिद्धार्थ, दे दिया। लेट्स गो। तो फिर हम चले गए चंक बेस करके वेबसाइट में, और उधर पे अपना वर्ल्ड का सीट डालने के बाद हमें सारे के सारे एंशिएंट सिटी के लोकेशंस मिल गए। फॉलो मी। 3, 2, 1 गो। तो फिर हम सीधा चले गए अपने सबसे बाजू वाले एंशिएंट सिटी पर इंसेंटेड गोल्डन एप्पल्स ढूंढने के लिए। चलो चले। ओह ये किसका घर है? डीजे का? फ्लिंटन इसलिए क्या? एंशिएंट सिटी में मर जाएंगा मैं, मेरे को पता है। एक हार्ट है मेरे पे। मैं आ गया। तुम एंशिएंट सिटी में जाने के लिए नीचे पे डिक कर रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। बट नहीं मिल रहा आपने को। क्या बोल रहा था तू? भागो भाई, पहले तो कोई नाइट विजन वाला वो लगाओ, टेक्सचर पैक। तू हमें एंशिएंट सिटी तो मिल चुकी थी, बट मैं ऑलरेडी 2 बार मर चुका था, और अभी तक मेरे को वार्डन तो मिला भी नहीं था, और बहुत ज्यादा अंधेरा भी था, इसीलिए हमने एक मॉड पैक डाल दिया जिससे हम अंधेरे में भी देख सकते हैं। ओके सिद्धार्थ रेडी है यूज करने के लिए? अब तो कौन डरेगा भाई, आजा। अबे यार पैदल चल भाई, भाग मत। अब कौन डरता है भाई, आजा सीधा। वार्डन आ जाएगा। वो चेस्ट, अबे उधर ही चेस्ट दिखा मेरे को। ये रहा सिद्धार्थ। लेट्स गो भाई। बस अंधेरे से डर लगता है। अरे स्पॉन हो गया किधर? स्पॉन भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, अब तो देख। ये रहा, मेरे पास तो नहीं है। अबे अभी भी अंधेरा तो है। ये वाला अंधेरा तो ब्लाइंडनेस का है ना, ये इफेक्ट है, ये तो रहेगा ही। अबे यार मेरे को लगा कभी ब्लाइंड नहीं होंगे। अब तू नहीं मिला यार गोल्डन एप्पल। इधर है क्या? इधर है क्या? और चेस्ट है इधर पे भी नहीं मिला। फायर रिस्पेक्ट। अबे फिर से आ गया भाई, टूटी भी नहीं पकड़ा था मैंने। ओ फिर से चेस्ट में ही पहुंच गया। ओ एक इंसेंटेड, एक मिला सिद्धार्थ। ओ फिर से दो चेस्ट ही सिद्धार्थ वैसे तो, बट नहीं मिलते। अरे यार ओह, अबे पास ही आया कोई तो, सूंघ रहा है किधर पे। ओ इधर ही है तेरी माँ। अबे सिद्धार्थ, अबे सारी जगह पे है। ओह चेस्ट। नहीं, 2-3 वार्डन स्पॉन कर चुके हम। एक ने तो उड़ा ही दिया कॉपी को। मेरा सामान ले ले प्लीज, बहुत सारे सामान थे, जल्दी ला भाई। ला रहा हूँ भाई, रुक। तो एज एक्सपेक्टेड मैं मर गया भाई, एक आठ में क्या ही कर लेता मैं। थैंकफुली सिद्धार्थ ने मेरे सारे सामान वापस ला दिया, और अब हमारे पास 2 इंसेंटेड गोल्डन एप्पल्स हो गए थे। 2 इंसेंटेड गोल्डन एप्पल्स हो गए, मतलब उतने भी नहीं है, बट 2 बार मेरे पास 8 हार्ट्स आएंगे इससे, और मेरे पास 9 हार्ट्स होंगे। 9 हार्ट्स से तो मैं हरा सकता हूँ शायद नॉर्मल पीवीपी में भी। हाँ आराम से तो नहीं, लेकिन आई थिंक हाँ तू हरा सकता है, चांसेस। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़े। रुक अभी मैसेज आया मेरे को डिस्कॉर्ड में। ओ आसान का मैसेज आया है। अबे भाई क्या बोल रहा है कुप्पी भाई, फाइट में इंसेंटेड गोल्डन एप्पल्स यूज नहीं कर सकते, बिकॉज़ इससे मैच अनफेयर हो जाएगा। अनफेयर तो अभी भी है। अरे भाई फिर तो इतना मेहनत क्यों की हमें वार्डन के हाथों से आज तक नहीं। तो हमारे सारे प्लान्स पे पानी फिर गई थी, क्योंकि असान ने बोला कि वार में इंसेंटेड एप्पल्स अलाउड नहीं है। चल सीधा एक काम करते, अब हमारी बस की तो नहीं है। मेरे हिसाब से सिनपाई ही ऐसा बंदा है जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है पीवीपी में, तो उससे पूछते एक आठ में किसे मार सकते 30-8 वाले बंदे को। ओके सिद्धार्थ मैंने डाल दिया मैसेज सिनपाई को, वो आएगा शायद। ओके आ गया। आ गया। हेलो सिनपाई। हाय कैसे हो भाई? मैं मस्त हूँ, आप बताओ।
उतने मस्त नहीं हम क्यों क्या हुआ तो बेसिकली मैंने आसान को चैलेंज किया हूँ वन आर्ट में मारने के लिए. मेरे पास वन आर्ट है और उसके पास 30 आर्ट है. ओ तो आपके इतने साल के तजुर्बे से बताइए किसे जीता जा सकता है एक आर्ट. इतने साल के तजुर्बे से तो मतलब इतना डिफरेंट फाइट तो मैंने आज तक खुद भी नहीं किया है. वन हार्ट वर्सेस 30 आर्ट तो ऑलमोस्ट नियर इम्पॉसिबल है, बट एक बंदे ने ये किया हुआ है. अच्छा, जितना मैंने देखा है. ओके, किसने? उसका नाम है पैरेट. पैरेट उसने वन हार्ट पे एक बंदे को मारा था. कॉन्टैक्ट है क्या उसका? कॉन्टैक्ट तो नहीं, बट आप उसकी वीडियो देख सकते हो उसने कैसे किया था एंड ट्राई कर सकते हो. वही एक तरीका है जिससे आप शायद जीत पाओ. और तो कोई नहीं लगता. पैरेट मतलब ये रहा पैरेट. ओह या, इस वीडियो में किया है उसने. तो मेरे को पैरेट की हुआ वाली वीडियो मिल गई जो कि सिन पे देखने के लिए बोल रहा था. तो पैरेट की इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को पता चल गया था कि मेरे को एग्जैक्टली क्या करना है. तो बेसिकली मेरे को पॉन्स्टू वाले बो को यूज करना है और उसके अंदर यूज करना है स्लोनेस 4 वाले एरो को. तो अगर मैं इन दोनों को साथ में यूज करूंगा और आसान को एक्यूरेटली मारूंगा तो पॉन्स्टू और स्लोनेस 4 के वजह से वो कभी भी मेरे पास ही नहीं आ पाएगा. तो इस तरह से मैं उसको हरा पाऊंगा. बट इस टेक्निक को यूज करने के लिए मेरे को अपने आर्चरी स्किल्स को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करनी पड़ेगी. ओ आ गए सेनपाई. ओके गाइस, तो मैंने अभी देखा सेनपाई आपने जो बोला वो वीडियो पैरेट का. तो आई गेस कर पाएंगे हम भाई. लाइक थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और पैरेट ने जिस बंदे को मारा था वो तो ऑलरेडी पहले से पीवीपी में अच्छा प्लेयर था, बट आसान आई गेस वो उतना नहीं करता. तो इजियर होगा शायद हमारे लिए. हाँ हाँ हाँ, इतना हार्ड नहीं होगा. लेकिन आपका बोइंग स्किल्स कैसे हैं आपके? हाँ, we need to work on that I guess. Okay, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा. कि आपको आता है क्या सेनपाई किसी अच्छा बनने? बताओ कुछ टिप्स. देखो मैं खुद क्रॉसबो यूज करता हूं, लेकिन बोइंग भी मैंने पहले की हुई है. इधर मत करना भाई, बैन हो जाऊंगा. उधर करो. रुको, एक वो बनाते हैं हम लोग टारगेट ब्लॉक से, एक दूर से मारने वाला शूटिंग रेंजर को. तो सेनपाई ने मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटा सा एरिया बना दिया. कॉपी भाई मैंने बना दी शूटिंग रेंज आपके लिए. ओके हाँ, ये तो प्रैक्टिस कर लेंगे. बट सेनपाई मैंने देखा कि ना उसने कुछ स्पेशल एरोज को यूज किया था उसके लिए, स्लोनेस कुछ तो था. तो वो बनाते कैसे? मेरे को ये भी नहीं पता क्या बनाते. तो बना तो लेते हैं, लेकिन वो टेंशन मत लो, मैं दे दूंगा आपको उतना. तो ये क्या आपके पास? हाँ मैं रखता हूँ अलग अलग एरोस. अच्छा अच्छा, ओके फिर ठीक है. अभी के लिए फिर ये प्रैक्टिस करते अपना एम. और एक बार ये हो गया तो एरोस तो है अपने पास. वही वही, लेट्स गो. तो फिर उसके बाद मैं उधर पे बैठ के बहुत टाइम तक अपने बोइंग स्किल्स को प्रैक्टिस करने लग गया. मैं भले ही बोज एंड एरोज उतना यूज नहीं करता, बट मैंने दूसरे शूटिंग गेम्स बहुत ज्यादा खेले है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी सीख रहा था. तो प्रैक्टिस किया हुआ 2 से 3 दिन हो चुके थे और अब जाके मैं एक अच्छा खासा आर्चर बन चुका था. शायद अब मैं रेडी हूँ सिद्धार्थ. और फिर इसके बाद सेनपाई मेरे पास आ गया और मेरे को एक सल्कर बॉक्स भर के स्लोनेस एरोज दे दिया. लेट्स गो, इतने सारे. थैंक यू सेनपाई, थैंक यू सो मच. कोई बात नहीं, अगर मैं बैन नहीं हुआ तो आपको कुछ हेल्प करूंगा कभी. जरूर. ओके गाइस, तो मैं जा रहा हूँ. जीत के आना कभी भाई. हाँ जरूर जरूर जरूर. ये लो भाई, मीठी मीठी कैरेट्स खा के जा. ओके भाई, गुड. ये भी लो, वॉर में काम आएगी. ये क्या है? ओह यस, और वो चीटिंग करे तो हमें बुला लेना भाई. हाँ ओके ओके, जरूर. भरोसा नहीं है मेरे को उसका. तो अब बारी आ गया था फाइनली आसान के साथ 1v1 बैटल करने का. ओके गाइस, तो फाइनली द डे इज हियर. आज होने वाला है आसान और मेरे बीच में फाइट. और आसान भी आ चुका है अपने बीसी में. फिलहाल तो मैं म्यूट हूँ. चलो फटाफट से ऑन म्यूट होता हूँ और फिर अपना वार शुरू करते. लेट्स गो. हेलो आसान. हेलो हेलो, किधर हो कॉपी भाई? ओ कितने सारे लोग उठ रहे हैं. रेडी हो क्या आसान? अरे मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ. आ जाओ लेट्स गो. प्रिपेयर किए ना अच्छे से? मैं क्या प्रिपेयर करूं भाई, एक हट वाले बंदे से लड़ना है भाई. वन शॉट डेड, खत्म भाई, कुछ नहीं. तो आसान काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था और उसके बातों से ऐसा लग रहा था कि वो शायद उतना ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है. और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर थी. इधर ही लड़ना है क्या? हाँ इधर ही लड़ते हैं. हाँ यही लड़ते ना. अरे मैं तो बस दिखाने के लिए निकलूंगा, थोड़ा काम है मेरे को उधर. जल्दी जल्दी खत्म करे आपका कार्यक्रम. रुक तेरे को बताते. ओके ओके मैं आ रहा हूँ. एक वन शॉट लगेगा मेरा, शॉट का खत्म हो. ओके ओके भाई, ये डैमेज क्यों कर रहा है इतना एरो? ओके एक सेकेंड अब. यो अरे 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 भाई, कौन सी एरो मार रहे हो? अरे ओहो, अच्छा ये ट्रिक लगा रहे हो क्या? रुको रुको रुको, मैं समझ गया. रुको रुको रुको. तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग बढ़िया तरीके से हो रहा था. मेरे स्लोनेस के एरोज अच्छे से काम कर रहे थे और आसान मेरे पास ही नहीं आ पा रहा था. खत्म हो जाएगी. पास तो आओ भाई, पास तो आके दिखाओ. अरे भाई ये कौन सा एरो मार रहे हो भाई? ओए हेल तो बहुत ले रहा है. ओके ओके वेट.
वेट इजी है। अबे ये कौन सा एरो है? ओके 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 समझ गया ट्रिक, समझ गया वन हर्ट पे कैसे मारोगे, समझ गया ट्रिक। अरे यार यार ये क्या है, ब्लॉक्स ब्लॉक्स लेकर आए होंगे। अबे भाई मरने वाला था भाई मैं तो यार, लेकिन ये अबे ओ ये क्या, ये कैसे पॉसिबल है? ओके वेट ओके 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 चलो मारो मारो मारो, क्या दिक्कत है? शिट मैं कितना मिस कर रहा हूं। अरे अरे यार पास नहीं आ पाओगे। ओके 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 वेट आ लेता हूं। अरे यार ये क्या है भाई? ओके वेट किधर हो किधर हो किधर हो, वन शॉट मारूं मैं निकलूंगा। मैं पास क्यों आ रहा हूं? अरे अरे यार पास भी नहीं जाने दे रहे यार, क्या हो रहा है? आसान कम ऑन आ रहा हूँ मैं एक मिनट बस, वन शॉट मारने वाला हूँ मैं आपको। इसमें को पास आने मत नहीं देना है, इजी है। हाँ मैं ट्रिक समझ चुका हूँ, अभी मैं आ ही रहा हूँ आपके पास, एक मिनट रुक जाओ बस। यही ट्रिक है ना आपका? अरे लास्ट कैसे इतना एक्यूरेट है भाई? ओके 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 मरने वाला है? नहीं ओ तो ये सब मैं कर रहा था सिर्फ अपने पेट चंपा के लिए। चंपा मेरी पहली पेट थी और उसका कोई गलती भी नहीं था, बट फिर भी असान ने चंपा को हमारी फाइट के बीच में लाया और उसको मार दिया। और दो असान को मार के मेरे को अपनी चंपा वापस मिलने नहीं वाली है, बट चंपा जिधर पे भी है उसको इतना तो पता चलेगा कि मैंने उसका बदला ले लिया है।